तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं कतला फिश की ग्रेवी। चलिए देखते हैं कतला फिश किस से पीस में काटा हुआ है हमने और उसके साथ हम और क्या डालने वाले हैं। ये रहा अपने कतला फिश, एंड जैसे कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि आज हम इसका मतलब गोभी आलू के साथ इसका हम ग्रेवी टाइप की बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फिश में हल्दी और नमक लगा लेंगे। हल्दी यहाँ पे रखा हुआ है इसको, और नमक भी डाल देंगे इसके ऊपर। एंड गाइस जब तक मम्मी नमक लगा रही है इस पर, तो मैं आपको मसाले बता देता हूँ क्या हम यूज़ करने वाले हैं। इसमें मेनली हम यूज़ करेंगे ये रेड चिली पाउडर, हल्दी, ये टमाटर का पेस्ट, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और आपका ये कौन सा है, ये रेड काश्मीरी रेड चिली, ये वाला, ये जीरा पाउडर, वैसे ये जीरा पाउडर है, और ये प्याज का पेस्ट है, अनियन पेस्ट, और ये तेल अपना सरसों का। सबसे पहले हम पहले आलू को, सॉरी गोभी को बॉईल कर लेंगे पानी में। तो गाइस गोभी हमने डाल दिया, तो गाइस हम साथ में आलू को भी बॉईल कर लेंगे। आलू और गोभी हमने बॉईल कर लिया है, अब हम तेल डाल देंगे एंड अब हम करेंगे फिश को फ्राई। तो गाइस तेल गर्म हो चुका है, अब हम फिश को फ्राई कर लेंगे। तो हमारा फिश फ्राई हो रहा है, हम तो पानी में मतलब सॉरी मसाले में पानी डाल देते हैं और इसको थोड़ी देर रख देंगे। फिश हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम आलू को और गोभी को एक साथ फ्राई कर लेंगे। तेल के ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आलू और गोभी फ्राई हो चुका है, अब हम डाल देंगे जीरा और साथ ही में डालेंगे अनियन पेस्ट, के ऊपर डाल देंगे डालेंगे मसाला जो हमने पानी मिक्स किया था मसाले के साथ, मिक्स कर देंगे। डाल देंगे हम आलू और गोभी को। तो गाइस हमारा अपना आलू और गोभी दोनों गल चुका है, अब हम डाल देंगे इसके ऊपर फिश और थोड़ा सा हम पानी मिक्स करेंगे, ये मसाला और अच्छे से पक जाए। जैसे कि हमने बोला कि हम ग्रेवी बना रहे हैं, ग्रेवी ही बनेगा, तो ये सब पानी खींच लेगा, ये आलू फिश गोभी तीनों है। तो मिलते हैं आपको फिर 10-15 मिनट के बाद। अपना कतला फिश ग्रेवी रेडी हो चुका है, अब हम इसको बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। ग्रेवी है, पानी कितना डाला था मतलब 40-45% सोख लिया है।